नमस्कार, न्यूज क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जी हाँ, वही कुछ नई बातें और कुछ अतीत के बारे में बातें, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से। क्या हिंदुस्तान में हर किस्म के आंदोलनों को डीलेजिटिमाइज किया जा रहा है? ये सवाल मैंने इसीलिए उठाया है क्योंकि सत्ता पक्ष ने कई महीनों से जो पीसफुली किसान आंदोलन चल रहा है उसको कई किस्म के डेरोगेटरी लेबल दिए गए हैं। पहले आंदोलनकारियों को कहा गया कि वह खालिस्तानी सपोर्टर हैं। जब ये पत्ता नहीं चला तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद संसद में इन सब को आंदोलनजीवी कहकर एक तरह से मॉक किया। और अब कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज में लेटेस्ट द सो कॉल्ड टूलकिट कॉन्स्पिरेसी इसका इस्तेमाल किया गया है। कहा जाता है कि कुछ गिने चुने नौजवान हिंदुस्तान को ग्लोबली डिफेम कर रहे हैं। Although almost every opposition political party now supports the agitation, it was incubated independently by amorphous peasant organizations. आंदोलन शुरू करने के लिए किसी राजनीतिक दल या नेशनली रिकॉग्नाइज नेता की आवश्यकता नहीं होने की परंपरा हिंदुस्तान में बहुत पुरानी है। इस ट्रेडिशन के रूट्स हमको कॉलोनियल पीरियड के आखिरी सालों में दिखाई देते हैं। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट टू डिस्पैरेट येट इंटरकनेक्टेड इवेंट्स, द INA ट्रायल्स विच स्टार्टेड फ्रॉम नवंबर 1945 एंड द रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी ऑफ फेब्रुअरी 1946। इंडियंस शुड हैव आइडियली बीन सेलिब्रेटिंग द 75th एनिवर्सरी of this naval mutiny. In fact, we should have been also discussing the INA trials that the British used to stamp their authority even as their power faded. 1945 ki sharad ritu aur 1946 ka vasant Hindustan ke azadi ke path par ek bahut hi mahatvapurna milestone tha. Lord Percival Wavell, who served as the penultimate Viceroy of India from 1943 to 47. He meticulously chronicled his experiences in the twilight of the British Raj. The British administrator and writer Penderel Moon compiled these memoirs after making just light edits. The journal is in fact a lucid account of declining imperial power and rising nationalist aspirations in India during these years. The period I am talking about from 1945, the autumn of 1945 to the spring of 1946 was described by Wavell as the time when India was on the edge of a volcano. Ye jwalamukhi ek baar nahi, teen baar phooti. Sabse pehle नवंबर 21 से लेके नवंबर 23 के बीच में ये घटना हुई। बंगाल के छात्रों ने धरना दिया कोलकाता के धर्मतला स्ट्रीट पर, वहां से उनका आंदोलन शुरू हुआ। उनकी मांग सिर्फ एक थी, INA के कैदियों को रिहा किया जाए। देखते ही देखते आंदोलन का कैरेक्टर एक एंटी इंपीरियलिस्ट स्ट्रगल बन गया। पुलिस ने 14 बार फायरिंग की अलग अलग स्पॉट्स पर, 33 की मृत्यु हो गई, 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। बट द कांग्रेस लीडर्स डिड नॉट बैक द स्पॉन्टेनियस रिवोल्यूशनरी एक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स एंड पीपल। सरदार पटेल सेड दैट द एनर्जी शुड नॉट बी फ्रिटर्ड अवे इन पेटी क्वारल्स। गांधी टू सैट डाउन फॉर अ फ्रेंडली कॉन्वर्सेशन and dialogue with the Bengal governor. The Congress at its meeting
once again reaffirmed faith in non-violent action. ये बात अलग है कि कुछ ही साल पहले जब भारत छोड़ो या क्विट इंडिया मूवमेंट आंदोलन के कॉल के बाद कई जगह हिंसा हुई थी, तब कांग्रेस के नेताओं ने और संगठन ने कोई ऐसी बात नहीं की थी। दूसरी बार the volcano erupted फिर से कलकत्ता में, this was between the 11th and the 13th of February 1946। कारण था INA के अब्दुल राशिद को 7 साल का rigorous imprisonment की सजा। लोग चाहते थे कि वो वापस हो। एक बार फिर स्टूडेंट्स और वर्किंग क्लास यूनिटी ने सिटी एडमिनिस्ट्रेशन को पैरालाइज कर दिया। आजादी के नारों से गूंजते जलूसों को काबू पाने के लिए फिर से पुलिस फायरिंग हुई। इस बार ज्यादा स्प्रेड कर गया था सब जगह। 84 लोगों की मृत्यु हुई, 300 से ज्यादा लोग इंजर्ड हो गए। लेकिन 18 फरवरी 1946 को जो ज्वालामुखी जो सबसे भयानक तौर से इराप्ट की, वो था पहले बॉम्बे में और फिर कुछ दिनों के बाद पूरे भारत में धीरे धीरे करके हर जगह फैलता गया। आफ्टर 6 days इट सबसाइडेड एज ड्रामेटिकली एज इट हैड इराप्टेड एंड देयर लाइज इट्स कनेक्शन विद टुडेज इवेंट्स बिकॉज द पॉलिटिकल लीडरशिप वॉजेंट कंफर्टेबल विद द रेवोल्यूशनरी वेज ऑफ द म्यूटिनी और द नेवल म्यूटिनियर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम। द कांग्रेस वॉन्टेड अ नेगोशिएटेड सेटलमेंट ऑन द रोड टू फ्रीडम, नो स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट बाय पीपल, नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्किंग क्लास। लेकिन ये विडंबना है, जो सत्ता किसी भी एनिवर्सरी को मिस नहीं करना चाहती है, वे आज नेवल म्यूटिनी या फिर INA ट्रायल्स को पूरी तरह से कैसे इग्नोर कर सकती है। जी हाँ, मैं आज के सत्ता के बारे में बात कर रहा हूं। 2014 ऑनवर्ड तो इस सत्ता ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की दुहाई देती आई है और INA तो वॉज वर्चुअली द सिग्नेचर ऑफ सुभाष चंद्र बोस। खैर छोड़िए इन सब बातों को, मैं शायद डाइग्रेस कर रहा हूं। तो सवाल यह उठता है कि क्या था नेवल म्यूटिनी। इतना महत्वपूर्ण होने के बावजूद हम इसके बारे में, हमारा इतना कम मेंटल स्पेस क्यों ऑक्यूपाई करता है नेवल म्यूटिनी की बातें। इट इज इंडीड द 6 day नेवल म्यूटिनी, लेट इट नॉट बी फॉरगॉटन, वॉज ट्रूली हीरोइक। इट इज इंडीड अ वेरी सैड कॉमेंट्री ऑफ आवर पोस्ट इंडिपेंडेंस पोलिटिकल डिस्कोर्स दैट इट डज नॉट ऑक्यूपाई एज मच ऑफ स्पेस एज इट शुड इन द सोशियो पोलिटिकल डिस्कोर्स ऑफ दिस कंट्री। रॉयल इंडियन नेवी का हिंदुस्तान में लगभग 320 साल से ज्यादा इतिहास था जब इसको 1934 में फॉर्मली रीएस्टैब्लिश किया गया था। इसके पहले 1612 ऑनवर्ड जब इस फोर्स को ईस्ट इंडिया कंपनीज मेरीन के नाम से गठित किया गया था, तब से ये कई बार इसकी रीनेमिंग हुई। कभी कभी इसको बॉम्बे मेरीन कोर या हर मैजेस्टीज इंडियन नेवी या फिर रॉयल इंडियन मेरीन कहा गया। लेकिन रॉयल इंडियन नेवी या फिर RIN अलोंग विथ रॉयल इंडियन एयरफोर्स RIAF 1930s के दशक में मूलतः ऑन पेपर एग्जिस्ट करते थे। द प्रेशर ऑन ब्रिटिश टू एक्सपैंड RIN एंड द RIAF वाज सडन एंड इन द 1940s ड्यू टू द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। RIN में युद्ध के दबाव के परिणाम स्वरूप इनसफिशिएंट अधिकारी, प्रशिक्षण और संगठन बने, मतलब देयर वाज वेरी पुअर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन एंड ट्रेनिंग ऑफ द पीपल। बल्कि सबसे निचले सीढ़ी पर जो भारतीय भर्ती हुए थे उनको फोर्स के टेन्योर के दौरान एक अनरियल पिक्चर प्रेजेंट किया था जब उन्होंने अप्लाई किया था।
लेकिन अधिकांश सैनिकों के लिए मूल वेतन यानी मिनिमम वेजेस बहुत कम थे। सिविलियन एम्प्लॉयज को उनसे ज्यादा मिलता था। इसके अलावा ब्रिटिश सैनिकों को उनसे ज्यादा तनख्वाह तो मिलती ही थी, साथ ही रेशियल डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा था। युद्ध के समाप्ति पर नेवल रेटिंग्स को डीमोबिलाइजेशन का सामना करना पड़ा, यानी कि नो लॉन्गर रिक्वायर्ड इन द नेवी। वापस अपने गांव या शहर रोजगार के रास्ते उनके लिए बंद थे। युद्ध ने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को पूरी तरह से क्रिपल कर दिया था। होल्डर्स और स्पेकुलेटर्स ने तो वॉर के पीरियड में बहुत पैसे बनाए, लेकिन जो आम लोग थे उनको अकाल, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी का सामना रोज करना पड़ता था। 1945-46 तक कॉलोनियल स्टेट ने भारतीयों के बीच जो कुछ उनकी राजनीतिक लेजिटिमेसी थी वो भी खत्म हो चुकी थी। उनको पता चल गया था कि अब घर लौटने का वक्त आ गया है। 18 फरवरी 1947 को सिग्नल्स के रेटिंग्स जो HMIS तलवार, हर मैजेस्टीज इंडियन शिप तलवार पर डिप्लॉयड थे, उन्होंने हंगर स्ट्राइक शुरू कर दिया। द स्पार्क वॉज प्रोवाइडेड बाय बैड फूड, खराब खाना एंड कंटिन्यूइंग रेसिस्ट इंसल्ट्स बाय द ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर्स। भूख हड़ताल के पहले से ही नेवल सैनिकों में राष्ट्रवाद की भावना काफी हद तक बढ़ गई थी। लीड रोल इसमें बलाईचंद दत्त नाम के एक नेवल सैनिक ने लिया। उनको नेवल एस्टैब्लिश में रीडिप्लॉय कर दिया गया था और HMIS तलवार के कैंटीन में वो अपने कलीग्स, अपने साथियों के साथ घुल मिल गए और उनसे वहां राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा करते थे। दत्त और उनके दोस्तों ने आजाद हिंदी का एक गुप्त कोड बनाया अपने एक दूसरे के लिए। उनका ये फैसला आजाद हिंद फौज और राष्ट्रीय आंदोलन के समर्थन में था। इस ग्रुप की कुल संख्या 20 से भी कम थी, लेकिन इनका इंपैक्ट ऑन द रॉयल इंडियन नेवी और उसके इंडियन रेटिंग्स पर बहुत गहरा था। 1 दिसंबर 1945 को पहला एक्शन देखने को मिला। ब्रिटिश ऑफिसर्स HMIS तलवार को एक पब्लिक एग्जिबिट के तौर पर इनॉग्रेट करना चाहते थे। बाय दिस टाइम द फर्स्ट INA ट्रायल्स हैड आल्सो स्टार्टेड एट रेड फोर्ट इन दिल्ली। अंग्रेज सरकार से पॉलिटिकल ब्लंडर हुआ। पहला ट्रायल 3 अलग अलग धर्मों के जनरल्स के खिलाफ उन्होंने शुरू किया, प्रेम कुमार सहगल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। On the morning of the 1st of December, officers found the parade ground littered with burnt flags and bunting, brooms and buckets. Political slogans were scribbled on every wall that was available. Quit India, down with the imperialists, revolt now and kill the British. Iske baad, 2 February ko, Commander-in-Chief ओचिलनेक वो HMIS तलवार को विजिट करने आए। उनका वो शेड्यूल्ड विजिट था। बलाईचंद दत्त ने उनके सामने भी वॉल राइटिंग फिर किया। बलाईचंद दत्त ने उस ओकेशन में फिर से वॉल राइटिंग को ऑर्गेनाइज कराया। कुछ लीफलेट भी वहां पेस्ट किए। उनमें से एक बाइबल का कोट था, No man can serve two masters, for either he will hate one and love the other, or else hold to one and despise the other. Balaichand Dutt range haath pakde gaye, unko arrest kar liya gaya. Dekhte hi dekhte, bhook hartal Bombay ke tatvarti establishments mein, naval establishments mein, aur saath hi
22 जहाजों पे वहां के रेटिंग्स ने भी भूख हड़ताल शुरू कर दिया। नेवल सेंट्रल स्ट्राइक कमिटी का भी गठन किया गया, एक चार्टर ऑफ डिमांड्स बनाया गया, आईएनए के सैनिकों और दूसरे राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग रखी गई उस चार्टर ऑफ डिमांड में। वियतनाम और इंडोनेशिया में फ्रेंच और डच कॉलोनीज को बोल्स्टर करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इंडियन ट्रूप्स को डिप्लॉय किया था, उनको विड्रॉ करने की भी मांग उसी चार्टर ऑफ डिमांड में थी। नाम बेशक नेवल म्यूटिनी था, लेकिन इस आंदोलन का कैरेक्टर एसेंशियली नेशनलिस्टिक बनता गया। बाय द 22nd ऑफ फेब्रुअरी द स्ट्राइक स्प्रेड टू नेवल बेसिस अक्रॉस इंडिया। एट इट्स हाइट द स्ट्राइक इन्वॉल्व 78 ships, 20 onshore units of the Navy, and involved 20,000 naval ratings. Ironically, barring the Communist Party of India, no other political party or leader backed this agitation. But everywhere, the naval ratings were particular to hoist the flags of the Congress, the Muslim League, and the Communist Party of India, all three of them simultaneously. Muslim League और कांग्रेस के झंडे वर एसेंशियली सांप्रदायिक एकता के प्रतीक थे। दूसरी तरफ सीपीआई का झंडा वो वर्किंग क्लास का रिप्रेजेंटेटिव था। अधिकांश इतिहासकार समझते हैं कि नौसेना विद्रोह विफल रहा क्योंकि ना तो कांग्रेस और ना ही मुस्लिम लीग के नेतृत्व ने हड़ताल का समर्थन किया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के सारे नेता अपने तमाम डिफरेंसेस के बावजूद एक मुद्दे पर उनकी एग्रीमेंट थी, दैट द सिविलियन कंट्रोल ओवर द मिलिट्री मस्ट बी एन इनवायलेबल प्रिंसिपल ऑफ द न्यू रिपब्लिक। कांग्रेस और कम्युनिस्टों के बीच भी सत्ता के लिए बहुत शार्प कंपटीशन था। नेवल रेटिंग्स का समर्थन करने का मतलब था कि उनके जो रेवोल्यूशनरी और जो स्पॉन्टेनियस मेथड्स थे उनको एंडोर्स करना और उसी पथ पर टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस चलना। कांग्रेस लेकिन एक नेगोशिएटेड सेटलमेंट चाहती थी, उस तरीके से बातचीत करके इंडिपेंडेंस हासिल करना चाहती थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के नेताओं ने रेटिंग्स को झूठे वादे कर आंदोलन को और भूख हड़ताल को वापस करवा लिया। आरआईएन म्यूटिनी भविष्य के लिए किसी ब्लूप्रिंट में भी फिट नहीं पड़ता था। द कोलैप्स ऑफ द म्यूटिनी आल्सो मार्क्ड अ क्लोजर ऑफ रेडिकल लेफ्ट विंग एक्शन इन द इमर्जिंग इंडिपेंडेंट इंडिया। द पुल बैक बाय नेवल रेटिंग्स कंट्रीब्यूटेड टू द इवेंचुअल फेलियर ऑफ द नेहरू गवर्नमेंट आफ्टर इंडिपेंडेंस टू डिसिप्लिन कैपिटलिस्ट industry in the future to ensure that they did not work against the interests of the working class. Aaj bhi wahi sentiment andolanon ke prati hamare samaj ke dominant sentiment ko mold karte hain. It might be sound sad, but that is unfortunately very true. Namaskar, ye karyakram dekhne ke liye bahut dhanyawad. Thank you.